आप कहीं पर भी कभी भी मेडिटेट कर सकते हो, इन द सेंस कि इस मोमेंट में जो कुछ हो रहा है अगर उसके लिए आप अवेयर हो तो आप मेडिटेशन में हो। इट इज एज सिंपल एज दैट। मतलब कि ध्यान करना नहीं है, लोग ये समझते हैं मेडिटेशन करना, मेडिटेशन कोई करने वाली चीज नहीं है। जैसे प्यार के लिए भी लोग बोलते हैं प्यार करना, प्यार कैसे करोगे, प्यार तो हो जाता है ऐसे ही, ठीक है ना। तो ऐसे ही मेडिटेशन हो जाती है। कब हो जाती है? जब हम इस मूवमेंट में पूरी तरह से होते हैं, जब हम पूरी तरह से अवेयर होते हैं। तो क्या करना है अगले कुछ मिनट्स के लिए, क्योंकि आप यहाँ पर आए हो तो प्रैक्टिकली कुछ करना बनता है, तो आपको क्या करना है, अपनी आंखें बंद नहीं करनी है, कोई नौटंकी नहीं करनी है करके आराम से टिक करके बैठना है, अपनी बैक सीधी रखनी है, जो है उसको देखो, जो आवाजें हैं यहां पर उसको सुनो, उसके बारे में कुछ सोचना नहीं है। थॉट्स आते हैं तो आने देना, आएंगे अपने आप चले जाएंगे, बट हमें एक्टिवली सोचना नहीं है। आराम से अवेयर हो जाओ कि यहां पर अभी क्या हो रहा है। हम अवेयर नहीं है, स्पेशली अब तो हम पूरी तरह से वर्चुअल वर्ल्ड में हैं, अपने मोबाइल की दुनिया में ही खोए पड़े हैं, पता ही नहीं है हमारे आसपास में क्या हो रहा है। तो ये मेडिटेशन आप कहीं भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। मेट्रो में आ रहे हो, वहां पर कुछ देर के लिए अपने मोबाइल को बंद करके ऑफ करके जेब में डाला, जस्ट बी अवेयर ऑफ कि क्या हो रहा है वहां पर। अगर ये आप कर पाओ तो इसका जो आगे जा करके क्या होगा, एक ऐसी भी स्टेज आ जाएगी आपकी लाइफ की कि आप कहीं पर भी जाओगे इमीडिएटली वहां पर जो भी कुछ है वो सब अपने आप को रिवील कर देगा आपके सामने। मतलब आपको एक सेकंड में सब कुछ समझ आ जाएगा। किसी पर्सन से मिलोगे तो एक सेकंड में समझ आ जाएगा। अब यहां पर कोई जादुई बातें नहीं कर रहा हूं मैं, समझ इन द सेंस कि जो भी कुछ है एकदम से दिख जाएगा, हमें दिखता ही नहीं है, हमें पता ही नहीं लगता है। यहां पर जो फ्रेग्रेंस है उसको फील करने की कोशिश करो, सुनाई दे रहा है क्या, सुनाई दे रहा है, देखो देखो अभी ये चेयर हिली, आवाज आई क्या किसी ने अभी सभा से आवाज आई, हल्का हल्का कोई हिल रहे हैं वो आवाजें आ रही हैं। अगर आप पूरी तरह से अवेलेबल हो अभी यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए, तो आपको कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ आपके पास अपने आप आएगा। आवाज़ के पास आपको जाना पड़ रहा है, अपने आप आ रही है आपके पास, तो उसमें जोर लगाने की जरूरत नहीं है। ये कोई पॉटी नहीं है जहाँ पर आप जोर लगा हम अवेलेबल नहीं होते हैं, जो होता है उसके लिए हम अवेलेबल नहीं होते हैं, इसीलिए जो होता है उसको हम देख नहीं पाते हैं। सिर्फ जो नहीं होता है उसके पीछे भागते रहते हैं। और अगर आप पूरी तरह से अवेलेबल हो जो है उसके लिए, उसी को प्यार कहते हैं। और प्यार क्या है बताओ? आपके आसपास में कोई है और आप उसके साथ तो हो लेकिन यहां हो बाहर बाहर से उसके साथ हो, ऐसा लग रहा है, दोनों को लग रहा है कि वो मेरे साथ है मैं उसके साथ हूं, कोई किसी के साथ नहीं है, इसलिए लड़ाई झगड़े होते हैं। आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, अगर आप वहां पर टिक करके आराम से बैठ करके देख पाओ कि उस पर्सन को क्या चाहिए अपनी लाइफ से, तो आपकी रिलेशनशिप अच्छी हो सकती है। अगर आपको ये समझ आ जाए कि पूरी तरह से एक जगह पर कैसे होते हैं, तो आप वो सब कुछ देख सकते हो जो और लोग नहीं देख सकते। जो और लोगों के लिए देखना इम्पॉसिबल है क्योंकि वो यहाँ जी रहे हैं, आप यहाँ जी रहे हो। अगर कोई काम कर रहे होगे तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें नज़र आ जाएंगी जो औरों को नहीं आ सकती, फिर चाहे आप जॉब कर रहे हो चाहे बिजनेस कर रहे हो। मुश्किल है ये आसान है? आसान है, आसान है या बहुत आसान है? बहुत आसान है। तो करते क्यों नहीं हो? सर किसी ने सिखाया ही नहीं पहले, किसी ने इस तरह से बताया ही नहीं, किसी ने इसकी इम्पोर्टेंस बताई ही नहीं। क्या बताया, बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, खच्चरों की तरह लगे रहो लगे रहो लगे रहो। सबका इंटरेस्ट आपको खच्चर बनाने में है क्योंकि वो खुद खच्चर है क्या करेंगे बेचारे।
दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम बड़ी से बड़ी आपके लिए बड़ी नहीं होगी अगर आप उस जगह पर टिक करके उस प्रॉब्लम को देख पाओ। देखने का मतलब ही समझना है। समझोगे कैसे कि जो भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशंस कैसे निकालने हैं, जब एक जगह पर टिक करके रुक करके अपनी उन प्रॉब्लम्स को देख पाओगे, चाहे वो प्रॉब्लम्स अंदर हैं चाहे बाहर हैं। और अगर पूरी तरह से देख पाओ तो क्या उसका सॉल्यूशन निकालना मुश्किल है या आसान है? आसान है। इसीलिए तो कहता हूँ सब आसान है। बस ऐसे ही आराम से बैठना होता है, कुछ नहीं करना होता। कई कई बार मैं ऐसे ही घंटों तक बैठा रहता हूँ, आंखें खुली होती है, कुछ होता नहीं है करने के लिए। सर नींद नहीं आती? नहीं आती। सर मेडिटेशन के लिए इतनी शांति की जरूरत होती है? नॉट रिक्वायर्ड। शोर का अलग मजा है, शांति का अलग मजा है। मेडिटेशन क्या है पहले ये समझ आया? जस्ट टू बी अवेलेबल टू व्हाट इज, नॉट व्हाट शुड बी। समझ गए ना? हमारे अंदर की दुनिया क्या है, जो है हम उससे खुश नहीं है, दिस शुड बी लाइक दिस। जो हमारी लाइफ है वो अभी सही नहीं है, दिस शुड बी लाइक दिस। वी आर ऑलवेज लिविंग इन शुड बी। सो लिविंग इन व्हाट इज, जो अभी है, बीइंग अवेलेबल फॉर व्हाट इज मेडिटेशन। Subscribe channel and press the bell icon for the latest videos update.